तो भाई जैसे कि पता है कि रैन टॉरी जीत चुके हैं और अब हम कंपैरिजन देखते हैं एरन बैक्स का कि कहाँ पे कमी रह गई। तो जो रियान टेरी हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन लेके आए थे, चाहे वो फ्रंट हो चाहे बैक हो, और बहुत पुराने एथलीट हैं, जेरेमी के टाइम के हैं और ब्रैंडन के टाइम पे हैं, तो काफ़ी टाइम से कम्पीट करते आ रहे हैं और बहुत बड़ा सपना होगा इनका जीतने का, और वो इस साल पूरा हो चुका है और लगातार ट्राई करते आ रहे थे तो ये पूरा हो चुका है। तो अब हम कंपैरिजन देखेंगे एरन बैंक्स का। तो यार जब आप फ्रंट पोस्ट देखते हो तो रियान टेरी का ओब्लिक सेक्शन देखो, मिड सेक्शन देखो, एब्स देखो, क्या शानदार कंडीशनिंग है। और दूसरी तरफ आप देखते हो एरन बैंक्स को जो लास्ट टाइम से थोड़ा सॉफ्ट आए हैं, आर्नोल्ड क्लासिक से भी थोड़ा सा सॉफ्ट आए हैं, तो ये रीज़न था कि ये पोज रियान टेरी जीते। और बैक का पोज देखोगे तो यार बैक में यार कहीं ना कहीं एरन बैंक्स ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, बट रियान टेरी ने जितना अपनी बैक पर काम किया है थ्रू आउट द ईयर्स आप देख सकते हो क्या शानदार बैक लेकर आए थे। तो यही कुछ रीज़न थे कि रियान टेरी इस बार का टाइटल ले गए। दोनों ही पुराने एथलीट्स और काफी टाइम से स्टेज शेयर करते आ रहे हैं, जेरेमी हो या रियान टेरी हो, बट रियान टेरी काफी पक्के खिलाड़ी हैं और इनका पूरा डेडिकेशन था कि एक बार तो मिस्टर ओलंपिया जीतना है, जो कि वो कहते आ रहे थे। तो आप फिजिक देख सकते हो किस लेवल के लेके आए थे। वहीं पे अगर हम जेरेमी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट आए थे, काफी लंबे टाइम के बाद कम बैक कर रहे हैं तो उस लेवल की फिजिक शो नहीं करवा पाए, बट स्टिल काफी अच्छा कम बैक हमको देखने को मिला। बाकी एथलीट से काफी अच्छा था जो रेगुलर परफॉर्म करते हैं। तो टॉप 10 में इन्होंने अपनी प्लेस सिक्योर की। बाकी कंपेरिजन देखोगे तो आपको पता लगेगा रियान टेरी का जो मिड सेक्शन है, ओब्लिक्स हैं, वो ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू जेरेमी के, और विनर से आप ऐसा तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हो। तो आप चेस्ट देख सकते हो, शोल्डर देख सकते हो, वहीं जेरेमी लैग कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। और जेरेमी का अगर आप बैक पोज देखोगे तो बैक पोज में उनका लैट्स का एक साइड में ज़्यादा बड़ा डेंट है, कोई इंजरी की वजह से हो सकता है, और रियान टेरी का बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल बैक है, जैसा कि उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है अपने बैक पे, तो डिजर्विंग विनर थे इस बार के। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन लास्ट टाइम भी सेकंड आए थे, इस बार भी सेकंड आए हैं, बस विनर चेंज हुआ है, एरन बैंक्स की जगह ले ली है रियान टेरी ने। और आप फिजिक देख सकते हो क्या शानदार रिप्ड फिजिक लेकर आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों कंपैरिजन देखेंगे इन दोनों का, रियान टेरी और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन काफ़ी बड़ा साइज लेके आते हैं जैसा कि हम लोगों को पता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कंपैरिजन। और दूसरी तरफ रियान टेरी जो कि हमेशा से कंडीशनिंग फिजिक लेकर आते आए हैं, बट इस बार साइज भी बड़ा करके आए हैं, बैक इंप्रूव करके आए हैं, तो देखते हैं क्या है इनका कंपैरिजन। तो फ्रंट पोज देखोगे तो आपको ऑब्लिक सेक्शन जो है रियान टेरी का, मिड सेक्शन काफी शार्प दिखने वाला है एज कंपेयर टू ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन बहुत बड़े हैं, कंडीशनिंग के साथ है, बट जो रिप्ड चिजल्ड फिजिक चाहिए होती है मैंने फिजिक में, वो रियान टेरी इस बार लेकर आए हैं। और बैक का पोज देखोगे तो आप इंप्रूवमेंट देख सकते हो रियान टेरी की थ्रू आउट द ईयर्स, कितनी इंप्रूव्ड बैक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को, ये भी लास्ट टाइम से इम्प्रूव आए हैं, बट रियान टेरी के कुछ अलग प्लान्स थे और वो उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं तो विनर बन के निकले हैं। तो भाई रियान टेरी के जीतने का सबसे बड़ा रीज़न था उनकी कंडीशनिंग। साइज में भले कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे थे, बट जो कंडीशनिंग के साथ हम उनको कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब भी वो ओलंपिया के स्टेज पे आते हैं कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा शानदार लेकर आते हैं। और बैक में कहीं ना कहीं बैक में इतनी इम्प्रूवमेंट करके आए हैं इस बार, आप देख सकते हो बिल्कुल अलग बैक लग रही थी, सेपरेटेड डेंस और विड्थ पे भी काफ़ी काम किया था। तो जो एरन बैंक्स थे उनको हरा दिया, एरन बैंक्स कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट आए थे, अपनी प्रॉपर पीक फॉर्म लेकर नहीं आए थे, तो ये बहुत बड़ा रीज़न था उनकी हार का। और ब्रैंडन हेंड्रिक्सन सेम एज लास्ट, जैसे लास्ट टाइम आए थे वैसे ही आए थे, और एज सच कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम लास्ट जैसा ही था। और जैसा कि हमको पता है कि रियान टेरी ने क्या शानदार कंडीशनिंग दिखाई, आपको एब्स ऑब्लिक्स के किंग कहा जाता है उनको, बिकॉज जो सेपरेशन एब्स और ऑब्लिक्स में दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखती है। और अगर हम बात करते हैं जेरेमी की, तो यार जेरेमी बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगे, चाहे वो बैक हो या फ्रंट हो, एब्स तो दिख ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होंगे, बट काफ़ी लंबे टाइम के बाद कम बैक किया है तो कम बैक करते ही जीतना इतना इजी नहीं होता है, 2-3 साल देंगे और फिजिक पे काम करते रहेंगे तब जाके पीक हिट करेंगे और दोबारा चैंपियन बनेंगे। अभी फ़िलहाल 1-2 साल के लिए तो मुश्किल लगता है, बाकी जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं थोड़े अनप्रिडिक्टेबल सा हो रहा है। तो आई एम हैप्पी कि यार रियान टेरी जीते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनकी और बहुत स्मार्ट हैं और जीत चुके हैं। तो अभी आगे की जो भी कंपैरिजन वीडियोस आएंगी वो देखने के लिए सब्सक्राइब करो जल्दी इस चैनल, और बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।